दोस्तों, मैं इस चेंजवर से अपने घर पे ही परेशान हो गया। मैं खुद इलेक्ट्रिशियन, लेकिन मैं खुद परेशान, ये बार बार जल जाता था, तो मैंने एक जुगाड़ बनाया। ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो फेज आ रहा है, न्यूट्रल फेज, ये जनरेटर लाइन या फिर किसी और तरीके की लाइन भी सेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जो फ्यूज आ रहा है वो मेन लाइन का है, यानी कि मीटर से आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल है। अब हम न्यूट्रल फेज के साथ में बल्ब डालते हैं तो ये देख सकते हैं बल्ब भी जल जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं घर की लाइन भी मैं कनेक्ट करता हूँ, घर का लोड भी इस तरह से चालू हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूज इसके अंदर ज्वाइंट वाला डाल दें तो क्या होगा, यह एक चीज होगी। तो इसके अंदर वायर वाला ज्वाइंट नहीं डालना है फ्यूज। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं घर की लाइन, घर की लाइन का जो न्यूट्रल है वो इसे एक ब्लेड के अंदर डालना है। घर का फेज लाइन होता है उसको फ्यूज के दूसरे वाले एरिया में कनेक्ट करना है। इसके इस साइड में करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, नो टेंशन रहेगा। तो हम फ्यूज के अंदर जैसे ही इंटर करेंगे तो घर की लाइट चालू हो जाती है। जब घर की लाइट चली जाएगी तो हम इसे जनरेटर लाइन में चला देंगे। तो इस तरह का जुगाड़ मिस्त्री लोग सिर्फ अपने घर के अलावा किसी और ग्राहक के ना करें।